वेलकम बैक क्लास। दिस इज बच्चा द फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपेंशन फॉर्मूले। आप इसी चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट रूप में स्टैंडर्ड सेवेंथ में तीन फॉर्मूले के साथ सीख कर आए थे। वो था ए प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन था a माइनस बी द होल स्क्वायर जिसके अंदर भी था हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और फिर था a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b गिव्स यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बेटा ये चैप्टर वैसे है बड़ा ही सिंपल लेकिन कहीं कहीं पर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज मैं आपको हर एक फॉर्मूले का पहले मैं एक्सपेंशन बता देता हूं और उस एक्सपेंशन के बाद हम तीन अलग अलग सम सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूले पर बेस्ड ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो तीनों सम में क्लियर हो जाए। फाइन सो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 जो है आपका वो आपका इस फॉर्मूले से डील करेगा दैट इज x प्लस a इन अ ब्रैकेट multiply by x plus b in other bracket. This is a binomial क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है and this is also a binomial. तो standard 7th में हमें सिखाया था जब कभी भी binomial multiply by binomial करना रहता है तो आपको एक bracket को break करना होगा split in two parts. तो let me split the first bracket. I will be getting x open bracket x plus b. अब इस ब्रैकेट में क्या बच गया है पॉजिटिव a, so I will write here पॉजिटिव a open bracket x plus b. So बेटा by this मैंने x plus a को दो equal parts में divide कर दिया है first term followed by second term and the second binomial is copied as it is. अब जो alphabet यानी कि variable और number that is coefficient bracket के पहले होता है ना वो सभी से multiply होता है that is you have to multiply this x. So x multiply by x again go back to sign that is plus sign brought down x multiply by b. अब बेटा क्या है ध्यान से देखना positive a multiply by x so positive a multiply by x then it is plus multiply by plus will give you plus a multiply by b a multiply by b. Now let us multiply them. X multiply by x will give you x square plus x multiply by b will give you bx. हम हमेशा alphabetical order में arrange करते हैं. Followed by plus sign brought down. A multiply by x will give you ax plus sign brought down. A multiply by b will give you ab. Correct? अब बेटा आप ध्यान से देखो यहां पर दो चीजें कॉमन है पहला यहां पर प्लस साइन कॉमन है और दूसरा यहां पर एक्स कॉमन है तो जो भी चीज कॉमन होती है वो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है इसीलिए आप यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर विच वर द टू थिंग्स दैट आर कॉमन एक है प्लस साइन और दूसरा है एक्स एक्स ओपन ब्रैकेट अब अपने आप से बात करो प्लस साइन एक्स एक्स क्या नहीं है खाली बी तो यू विल राइट हियर बी प्लस मल्टीप्लाई बाय कौन सा साइन यहां पर करेंगे तो हमें वापस से प्लस साइन दे देगा आस्क योरसेल्फ प्लस मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू प्लस आंसर इज प्लस फिर a नहीं है हमारे पास तो वी विल राइट हियर a प्लस साइन एंड ab ब्रॉट डाउन
Now arrange them in alphabetical order. So this will be x square plus a plus b x plus a b. Hence आपका पहला formula 5.1 का तैयार हो गया है. Clear बेटा? अब let us solve one sum based on it. Let me take the sixth sum. Sixth sum says 9x minus 5t. Bracket close. Again, 9x plus 3t. Correct? This is your fifth sum. Now, class, आप ध्यान से पहले तो बोर्ड की तरफ देखिए. आपने जब फॉर्मूला बनाया ना बेटा, तो आपके फॉर्मूले में x और x, ये दोनों x पॉजिटिव होने चाहिए एंड दे शुड बी कॉमन. आई रिपीट, क्या होना चाहिए? वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए एंड दे शुड रिपीट, दैट इज कॉमन. तो इन दो ब्रैकेट में आप ध्यान से देखो कौन सी दो चीजें पॉजिटिव भी है और कॉमन भी है. सो दैट इज 9x पॉजिटिव भी है, 9x पॉजिटिव है एंड 9x 9x कॉमन है. तो आप इसको इस तरीके से, ये फॉर्मेट है बेटा आपको परफॉर्म करने का 9th-10th में, आपको इसी पैटर्न में, इसी वे में आपको लिखना रहता है. सो प्लीज इनकल्केट दिस हैबिट. आप सबसे पहले लिखोगे using the formula. कौन सा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है? तो आपको इस्तेमाल करना है ये फॉर्मूला, दैट इज x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b विल गिव यू x स्क्वायर प्लस a प्लस b multiply by x plus a b, that is a multiply by b. Correct? अब बेटा यहाँ पे तीन अल्फाबेट हैं, x, a और b. तो तीनों की वैल्यू देंगे हम, where x is equals to 9x, comma a. फॉर्मूले में a पहले आता है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में a को होना चाहिए पॉजिटिव और हमें दिया गया है नेगेटिव. तो हम लोग विद साइन कॉपी करेंगे माइनस 5t एंड b. आपका b क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव, और हमारा b पॉजिटिव है, तो जस्ट राइट 3t. करेक्ट? जो साइन जैसी फॉर्मूले में है ना बेटा, अगर वैसी ही साइन क्वेश्चन में मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर साइन चेंज मिलती है देन इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी कि आप साइन के साथ उस नंबर या टर्म को कॉपी करोगे. नाउ अगेन राइट द होल फॉर्मूला, एक्स प्लस ए बेटा पेयर टेंश, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर 9x, जहां पर a है वहां पे नेगेटिव 5t और जहां पर b होगा वहां पर 3t. इस चीज को दिमाग में रखना है. अब ध्यान देना बेटा, एट प्रेजेंट हम लोगों ने ऑलरेडी ये राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया है, तो जब कभी भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं ना, स्टैंडर्ड 6 इंटीजर्स में सिखाया था कि नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज विद एन इनर ब्रैकेट. तो आपने ऑलरेडी एक राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया है, अब आपको इससे बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट. तो सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, x की जगह पे लिखो 9x
प्लस साइन ब्रॉट डाउन और ए की जगह पे विथ दी ब्रैकेट नेगेटिव 5t ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नाउ ओपन ब्रैकेट एक्स प्लस बी दैट इज 9x प्लस 3t 9x प्लस 3t करेक्ट। आप सोचोगे कि सर आपने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया यहां पर क्यों नहीं लगाया। इट्स वेरी सिंपल बेटा, हमारे लिए जब जब राउंड ब्रैकेट जहां आ रहा होगा ना उसको कवर करने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा। यहां पर कहीं पर भी राउंड ब्रैकेट नहीं है इसीलिए काम चल गया। नेक्स्ट इट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 9x का स्क्वायर, सॉरी 9x का स्क्वायर, देन प्लस साइन अगेन आई विल टेक स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? बिकॉज अब a आ रहा है और a को कवर करने के लिए मुझे बड़ा ब्रैकेट लेना ही पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव 5t प्लस साइन ब्रॉट डाउन 3t मल्टीप्लाई बाय x। x की वैल्यू है बेटा आपकी 9, सो पुट हियर मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस साइन ब्रॉट डाउन ए बी। कैसे रीड करते हैं ए बी को? a मल्टीप्लाई बाय b, तो a है आपका नेगेटिव 5t मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3t करेक्ट। और अब बेटा इसको सिर्फ सॉल्व करना बाकी रहता है। हमने पहले वैल्यूज लिखी, वैल्यूज के बाद फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद सब्स्टिट्यूशन और अब फाइनल सॉल्विंग बचती है। तो सबसे पहले देयरफॉर का साइन 9x ब्रॉट डाउन प्लस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव यू माइनस 5t ब्रैकेट क्लोज। कॉपी द सेकेंड ब्रैकेट दैट इज बाइनोमियल 9x प्लस 3t ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। अब बेटा दिमाग लगाइएगा, ये जो स्क्वायर है ना बेटा ये ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे और बाद में वेरिएबल x का, तो आप लिखोगे 9 का स्क्वायर 81, वेरिएबल का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस साइन ब्रॉट डाउन ओपन ब्रैकेट। ध्यान देना ये है नेगेटिव 5t और ये है पॉजिटिव 3t। 6 स्टैंडर्ड इंटीजर्स में एडिशन फॉर रूल्स के अंदर हमें रूल नंबर 3 सिखाया गया था, दैट वाज व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अनदर नंबर इज नेगेटिव। जब एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो नंबर बड़ा है उसकी साइन लगा दो। 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है बेटा? 5, तो आप लगा दोगे 5 की साइन एंड ऑलवेज सबट्रैक्ट द नंबर्स। 5 माइनस 3 आपको कितना मिल जाएगा? 2 वेरिएबल कॉपी t ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 t मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर करेक्ट। और अब बेटा लास्ट ये ब्रैकेट आपका रह जाता है, तो आप लिखोगे 81x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 t मल्टीप्लाई बाय x tx माइनस 15 t स्क्वायर। हेंस बेटा आपका सिक्स्थ सम यूजिंग द फॉर्मूला x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b के साथ सॉल्व हो गया है। आप बस इतना समझ के चलो बेटा जब कभी भी फॉर्मूले के हिसाब से हमारा क्वेश्चन नहीं होता ना
साइन के साथ उस नंबर को उठा लिया जाता है और फिर मल्टीप्लाई करने का आपको स्टैंडर्ड 6 एंड 7 में सिखाया गया था। अब इसी एक्सरसाइज के कुछ और सम हम अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। टिल देन